अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर राजा महेंद्र सिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने हाथरस का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करने की मांग भी की है। परिवार की मांग है कि किला परिसर में ही राजा साहब का म्यूजियम बनाया जाए, जिसमें नई पीढ़ी को जानकारी देने वाला साहित्य इसमें रखा जाए। परिवार का कहना है कि ये मांग सीएम पीएम के सामने भी रखी जाएगी। राजा साहब ने अपने जीवन काल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय समेत कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना में जमीन दान दी थी। अगर किसी शहर का नाम किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाता है और हाथरस का नाम परिवर्तित होकर अगर राजा साहब के नाम पर रखा जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका एक सही संदेश जाएगा, इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी होगी। व्यक्तिगत मुलाकात करके ये सुझाव परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मोर्चा संभालते हुए सीएम योगी पर कड़ा प्रहार किया है। उधर बीजेपी ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान से तिलमिलाए अखिलेश यादव पलटवार के लिए खुद सामने आए। एसपी अध्यक्ष ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए मुख्यमंत्री की भाषा भी बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बुलडोजर को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। एसपी अध्यक्ष ने बुलडोजर को लेकर भी योगी सरकार पर कड़ा तंज कसा। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए तल्ख लहजे में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी, जिसमें अखिलेश यादव जी का हिस्सा था। इसी नाते आज उन्हें पीड़ा हो रही है कि उनकी सरपरस्ती में तैयार की गई इन संपत्तियों को आज बुलडोजर लगा के ढा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कितने भी चिंता व्यक्त करिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदान में चंद महीने का वक्त है। ऐसे में जुबानी हमलों से साफ है कि यूपी का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। यूपी की सियासत में अब्बा जान के बाद अब बुलडोजर की एंट्री हुई है। वार पर प्रतिवार हो रहा है और जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, ये शब्द बाण और तीखे होते जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अफुल हसन के साथ अनिल यादव।